एवरी डे के हम बनाना खाते हैं हाँ बनाना सभी जानते हैं ये फ्रूट के बारे में ये बनाना में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है अगर एवरी डे हम ये खा सकते हैं बच्चे से लेकर बढ़ तक तो न्यूट्रिशन का जो कमी है शरीर में वो ख़त्म हो सकते हैं लेकिन अगर रॉन्ग टाइम या रॉन्ग प्रोसेस से यही बनाना हम खाते हैं तो शरीर का जो साइड इफेक्ट है बहुत साइड इफेक्ट आ सकते हैं खतरनाक खतरनाक साइड इफेक्ट तो क्या करना है एवरी डे खाना है लेकिन राइट टाइम एंड राइट प्रोसेस से तो आज का वीडियो सभी के लिए मेरे साथ रहिए और पूरा वीडियो देखिए कैसे सही प्रोसेस से सही टाइम से ये बनाना खा के शरीर का जो न्यूट्रिशन का कमी है वो हम दे सकते हैं पहले तो समृद्धि में सभी के दिल से स्वागत करती हूँ जिन जिन पर्सन मेरा फैमिली मेम्बर है सभी हैप्पी है मैं बहुत मैसेज और बहुत मेल आने के बाद मैं जान पा रही हूँ और आप लोगों के साथ भी मैं बहुत हैप्पी हूँ और जिन जिन पर्सन मेरा ये हैप्पी फैमिली में इन्वॉल्व होना चाहती है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए लाइक बटन हिट कीजिए बेल बेलाइक को दबा दीजिए क्योंकि इतना ही आसान करके मेरा हैप्पी फैमिली में आप भी आ सकते हैं एक मेंबर होके तो आइए मेरे फैमिली को बढ़ाइए शेयर कीजिए और यहाँ पे जो मैजिक होता है प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो मेरा हम लोगों के साथ आप भी रहिए आज भी बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं हम सुबह उठने के बाद ब्रेड बनाना खा के हम काम पे निकल जाते हैं या फिर केक बनाना खा लेते हैं या फिर रोटी बनाना खा लेते हैं या फिर मिल्क रोटी बनाना किसी तरह बनाना हम खा लेते हैं सुबह उठने के बाद क्योंकि मुझे बनाना खाते हैं खाना है न्यूट्रिशन मुझे अंदर देना है यही रंगों से पता है सुबह उठने के बाद बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी अगर एंटी स्टमक पे बनाना के साथ ब्रेकफास्ट किया जाए तो वो एसिड फॉर्म में चला जाता है सच में आप मान लीजिए कि सुबह उठने के बाद बच्चों से बड़ों के लेकर बड़ों तक सभी बच्चों के बहुत सारे बच्चों का हम क्या करते हैं सुबह उठने के बाद ही और मिल्क बनाना और उसके साथ चूड़ा या फिर रोटी या फिर ब्रेड दे के खाना दे देते हैं ब्रेकफास्ट या पर सभी बड़ों काम पर निकल जाना है तो जल्दी से जल्दी तुरंत ब्रेड बनाना खाते हम निकल जाएंगे यही प्रोसेस से हम सभी जानते हैं ब्रेड बनना अच्छा एक हेल्दी न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में एक ब्रेकफास्ट है लेकिन सच में यह बनाना आपका शरीर में जाने के बाद आप बाद में एसिड फॉर्म में चले जाते हैं सच में कहीं पर भी आप सर्च कर लीजिए बहुत मतलब आ, कोई डॉक्टर से भी आप पूछ ले सकते हैं अगर एंटी स्टोमा कोई बनाना खाते हैं उसका न्यूट्रिशन के जो अच्छा गुण है वो शरीर में नहीं आते बाद में वो एसिड फॉर्म में चले जाते हैं आपका जो लीवर फंशन है वो वहाँ पर अटैक करते हैं सच में आप सोचेंगे हम बहुत साल से ये बनाना खाते हैं ब्रेकफास्ट में कुछ तरह तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा नहीं ये स्लो मोशन है मतलब स्लो मोशन पर्सन जैसे बोलते हैं ऐसे बना ना आपका शरीर में जाते जाते बने बहुत दिन बाद आपका जो एसिड एसिडिटी का प्रॉब्लम आ सकते है पेट का कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है या फिर एसिड आपका मतलब जाने के बाद पेट बहुत सारा पेट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है लिवर फंक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है सच में मतलब लूज मोशन हो सकते हैं या फिर आप मैंने आप मतलब सोच भी नहीं सकते थे कैसे कैसे प्रॉब्लम हो रहा है किससे हो रहा है लेकिन ये बनाना से हो रहा है क्योंकि आप सुबह उठने के बाद एंटी स्टोमक ब्रेकफास्ट में बनाना नहीं खाना चाहिए किसी को भी नहीं खाना चाहिए पहले कुछ भी पी लीजिए आप थोड़ा सा खा लीजिए फिर बाद में जाके बनाना खाना है लेकिन एंटी स्टोमक बनाना के साथ ब्रेकफास्ट भी कोई पीपल को नहीं करना चाहिए ये कहीं पर भी आप पूछ लीजिए मान लीजिए कि बहुत सारे पर्सन एंटी स्टोमक वेनाना ब्रेकफास्ट लेकर बहुत सारे से दे रही है उसका क्या है बाद में आई का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है आपका पेट का कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है आप कुछ भी खाते हैं तो लूज मोशन कुछ भी ले लेते जस्ट रोटी लेंगे तब भी आपका पेट खराब हो सकते हैं और आक, जी की, आप मान लीजिए कि आप कोई रिज वगैरह खा लेते हैं तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं आज नहीं तो कल आपका पेट का कोई प्रॉब्लम आ सकता है आपका पेट के प्रॉब्लम से छोटे बच्चों को क्या होते हैं पेट का कोई भी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा बुखार आ सकते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं बुखार का मेडिसिन लेते हैं कम हो जाता है पेट का मेडिसिन लेते हैं कम हो जाता है लेकिन रीज़न ये बनाना है जो एंटीस्टोमा जिन जिन पर्सन बनाना खाते हैं उसका ये प्रॉब्लम बाद में आ सकते हैं बनाना में सच में इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन है बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को एवरी डे खाना चाहिए एवरी डे किसका क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशन का जो अच्छा दिखे वो शरीर में ऐब्जर्व करना चाहिए उसका एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम या फिर अदर्स कोई बैड रिएक्शन नहीं है इसलिए हम ब्रेकफास्ट में बनाना नहीं खाएंगे कोई अच्छा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर आप एक या फिर दो घंटे बाद आप बनाना खा सकते हैं और उसका बनाना खाने के बाद आधा घंटे या फिर चालीस मिनट हम कुछ भी नहीं खाएंगे पानी भी नहीं पिएंगे तभी तो जाके आपका बनाना का जो न्यूट्रिशन है आपका शरीर ऐब्जर्व करेंगे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मान लीजिए बैनाना खाने के बाद बनाना खाने के चालीस मिनट के अंदर आपका डेयरी को प्रोडक्ट आपको नहीं खाना चाहिए और एनिमल कोई प्रोडक्ट आपको नहीं खाना चाहिए डेयरी प्रोडक्ट मतलब मिल्क या मिल्क की मिल्क से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ और एनिमल प्रोडक्ट मतलब फिश चिकेन्स या फिर एक कोई किसी तरह चालीस मिनट के अंदर ये कोई भी चीज़ आपको इंटेक्ट नहीं करना चाहिए बच्चों से जो बर्थक सभी के लिए प्रोसेस मैं बोल रही हूँ बहुत सारे पर्सन हम क्या करते हैं बहुत सारा फ्रूट लेके हम बैठ जाते हैं क्योंकि मुझे फ्रूट इंटेक करना है फ्रूट जब अगर हम खाएंगे तो हेल्दी रह सकते हैं न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में है और हम सुस्त भी रहेंगे यही सब का सोच है ना लेकिन सच में अदर्स फल को फ्रूट जो है वो हम नहीं अभी बोलेंगे क्योंकि बनाना है बनाने के साथ कोई खट्टा फ्रूट आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि बनाना एक मीठा फ्रूट है मीठा फ्रूट के साथ खट्टा फ्रूट अगर हम खाएंगे बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये एक साथ खाना नहीं चाहिए बनाना खाइए छोड़ दीजिए या फिर खट्टा पुट खाइए बाद में बनाना खाइए एक साथ नहीं खाएंगे हम लोग और जब बाजार से कोई बनाना लाएंगे तो बनाना अच्छे तरह धोने के बाद ही हम खाएंगे क्योंकि बाजार में जो हम क्या करते हैं बहुत सारे पर्सन बाजार से बनाना लाए एक बनाना उतारे और एक छिलका छके हम खा लेते हैं यही कितना ख़राब है पता है बाजार का इतना पोल्यूशन इतना वायरस उसका जो छिलके है उसके अंदर रहते हैं अगर ठीक तरह नहीं धोके हम खाएँगे तो उसका रिएक्शन भी आपके शरीर में आने के बाद एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर किसी तरह प्रॉब्लम आ सकते हैं जिन जिन पर्सन का कफ या फिर सर्दी किसी का एलर्जी है या फिर प्रॉब्लम है किसी तरह तो वो पर्सन रात को या फिर शाम को बनाना नहीं खाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपका मान लीजिए सुबह बनाना खाते खाए तो अच्छा है बच्चों को तो बाद ही अलग है क्योंकि बच्चों को शाम होने के बाद बनाना नहीं देना चाहिए किंतु लेकिन बड़ों का भी बहुत सारे पर्सन को सुबह ही आप बनाना खाए तो अच्छा है लेकिन जिन जिन पर्सन का काफ या फिर सर्दी कैसी का प्रॉब्लम है वो पर्सन को शाम होने के बाद किसी तरह कोई भी तरह एक भी छोटा सा टुकड़ा भी बनाना नहीं खाना चाहिए बनाना इतना अच्छा है इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन है डायबिटीज़ पेशेंट क्या कहते हैं बनाना तो मीठा फल है हाँ डायबिटीज़ पेशेंट खा सकते हैं लेकिन आ, एवरी डे नहीं मतलब हफ्ते तो में एक बार एक दिन बनाना हम खा सकते हैं आप एक बनाना ज़्यादा नहीं और जिन जिन पर्सन का इंसुलिन चल रहा है वो डॉक्टर के सलाह लेके बनाना खा सकते हैं बनाना में विटामिन बी है इसीलिए जिन जिन पर्सन का हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है वो अगर एवरी डे बनाना खाए तो इसीलिए हार्ट का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म भी हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ नहीं तो हार्ट का जो पेशेंट है उसके लिए बनाना एक वरदान है एवरीडे डे बराना अगर हम खाएँ तो आपका जो आग का जो आ, मतलब पावर है वो पावर बढ़ जाता है आपका किडनी का कोई अगर स्टोन है किडनी स्टोन भी निकल जाते हैं और आपका जो मतलब एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम ख़त्म हो सकते हैं लेकिन ठीक तरह बनाना खाए तो अगर रॉन्ग प्रोसेस से बनाना खाए तो एसिडिटी का प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा बट अगर मतलब खत्म होने की जगह बढ़ जाएंगे बैराना में इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन है आपका जो बराना आप एवरी डे खाएँगे तो आपका एंटी कैंसर का काम करते हैं जिन जिन पर्सन का आपका नींद नहीं आते हैं एवरी डे बराना खाएंगे तो अच्छा तरह नींद आएंगे क्योंकि जिन जिन पर्सन का अच्छा कव या फिर सर्दी कसी का प्रॉब्लम है वो रात को नहीं खाएंगे सुबह खाएंगे और जिन जिन पर्सन का कोई प्रॉब्लम नहीं है वो रात को सोने से पहले या एक घंटा पहले एक बनाना अगर खाएँगे डिनर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वो वो पर्सन का अच्छा नींद भी आएंगे बनाना में भरपूर मतलब एंटी ऑक्सीडेंट है तो एंटी ऑक्सीडेंट क्या करते हैं आपका जो टॉक्सिन है वो रिमूव करते है शरीर का इसलिए बहुत सारी बीमारी से हम उतर सकते हैं हाँ आएंगे हम एवरी uh, डे कितना बनाना हम खा सकते हैं हाँ छोटा जो बच्चे हैं बच्चों को एवरी डे एक ही बनाना खाना चाहिए और जो uh, मतलब एडल्ट है उसका दो या तीन टू या थ्री अब आएंगे कि एवरी uh, डे हम कितना बनाना खा सकते हैं हाँ छोटा जो बच्चा है वो एवरी डे वन ही बनाना खाएंगे और जो एडल्ट है वो एवरीडे डे टू या थ्री बनाना इससे ज़्यादा नहीं जिन जिन पर्सन वेट गेन करना चाहते हैं वो एवरी डे बनाना खाइए वेट गेन मस्टली होगा और बनाना खाते हुए वेट लॉस भी हम कर सकते हैं बनाना डाइट लेके मेरा एक वीडियो है आप चेक कर लेना मेरा वीडियो पे वो ही आपको मिल जाएगा बनाना डाइट करते हुए कैसे हम वेट लॉस करते हैं इतना अच्छा फ्रूट है ये फ्रूट के हम वेट गेन भी कर सकते हैं वेट लॉस भी कर सकते हैं आजकल ये आज के जो ये वीडियो है मेरे सभी मेंबर के लिए मेरे फैमिली मेम्बर के लिए ये मैसेज देना था मुझे अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनते हैं आज के लिए इतना सही थैंक यू सो मच